एवरीवन, माय नेम इज आंशुल भाटिया एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर एकेडमिक लिटरेचर दिस इज द राइट प्लेस. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड. सोल की सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स का ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि सलमान रुश्दी का नरेटिव स्टाइल क्या था उनकी शॉर्ट स्टोरी में द फ्री रेडियो. द फ्री रेडियो जो स्टोरी थी ये तीन स्टोरीज में से एक स्टोरी थी जो पब्लिश हुई थी इस सेक्शन में सलमान रुश्दी कलेक्शन में. और ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम को दर्शाती है जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. मास स्टरिलाइजेशन प्रोग्राम जो था ये संजय गांधी ने स्टार्ट किया था क्योंकि 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो अराउंड 360 मिलियन थी और वो हर साल 5 लाख पीपल से ग्रो हो सकती थी. इसे रोकने के लिए उन्होंने नेशनल फैमिली प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें मास स्टरिलाइजेशन होती थी. और ये फोर्स मास स्टरिलाइजेशन थी जिसमें गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल्स ले जाते थे स्टरिलाइजेशन करने के लिए. स्टरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी और वहाँ उन्हें बहुत मारा पीटा भी जाता था. ये जो स्टोरी है द फ्री रेडियो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन पे बेस्ड है. और जो नरेटर है वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है जो रमनी को बहुत अच्छे से जानता है और क्योंकि उसने टीचर ने उसे बचपन में पढ़ाया भी हुआ है और रमनी के पेरेंट्स को भी जानता है. लेकिन उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं. रमनी जो है वो एक रिक्शा राइडर है, वो रिक्शा चलाता है. और नरेटर जो है वो अपना काफ़ी टाइम बानियान ट्री के नीचे बैठकर ही गुजारता है अपने सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा था उसे ऑब्जर्व करते हुए. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सलमान रुश्दी का नरेटिव स्टाइल क्या है इस शॉर्ट स्टोरी में. तो जब जैसे ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है जो टीचर है वो रमनी के लिए अपने ओपिनियंस रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो रमनी के लिए क्या समझता है. सिर्फ रमनी के लिए ही नहीं बल्कि थीफ विडो के लिए भी. तो रमनी को वो एक गधा समझता है, अ डोंकी चाइल्ड या गधे का बच्चा समझता है. बहुत ही ज़्यादा भोला और फूल इंसान है वो उसके लिए. और जो थीफ विडो है मतलब जो चोर की विधवा है नरेटर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे शक है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है. जब रमनी और विडोज पहली बार मिलते हैं तो नरेटर कमेंट करता है कि इसने रमनी को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है. पूरी स्टोरी में हमें थीफ विडो पूरी स्टोरी में नरेटर जो है वो थीफ विडो को थीफ विडो के नाम से ही थीफ विडो को थीफ विडो ही बुलाता है. उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लेता और उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो जेंडर बाइज रहती हैं. वो नरेटर जो है वो थीफ विडो से बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अट्रैक्टिव है बट उसकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर रही है. जब उसे रियलाइज होता है कि रमनी और विडो का अफेयर चल रहा है तो वो विडो को समझाने जाता है और उसको एक्चुअली एडवाइस देता है कि तुम किसी बनारस के आश्रम में अपना टाइम बिताओ, वहाँ प्रार्थना वार्थना करो, इन सब में कुछ नहीं रखा और वही अपनी लाइफ स्पेंड करो. तो विडो जो है वो उसको आगे से रिप्लाई करती है कि तुम अपना काम करो, मुझे रमनी ने सामने से मैरिज के लिए प्रपोज किया था बट मैंने उसे मना कर दिया और ये भी कहा है कि वो अभी बहुत यंग है तो उसकी ये सब करने की एज नहीं है. नरेटर को यही लगता है हमेशा कि जो विडो है वो एनकरेज कर रही है रमनी को बॉलीवुड में जाने के लिए, एक फिल्म स्टार बनने के लिए. बट असल सच ये है कि रमनी के जो फ्रेंड्स हैं वो उसे फ्लैटर करते हैं, वो उसे चापलूसी करते हैं उसकी कि तू बहुत हैंडसम है तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए, तू यहाँ कहाँ आ गया. और इस चापलूसी से खुश होकर रमनी उसे अपने पैसों की दारू पिलाता है. एक्चुअली में वो सिर्फ रमनी की चापलूसी करते हैं, उसे फ्लैटर करते हैं इसलिए ताकि वो उसे फ्री की दारू पिलाए. नरेटर को ये भी लगता है कि रमनी जो बुजुर्ग लोगों की या ओल्ड लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता वो भी विडो की वजह से ही है. जब से स्टोरी स्टार्ट हुई है मतलब जब से रमनी और विडो मिले हैं स्टोरी के एंड तक या रमनी के बॉम्बे जाने तक पूरी स्टोरी में हमें सिर्फ नरेटर का डिसअप्रूवल ही दिखाई देता है और कुछ नहीं. नरेटर की चिंता करना, उसका कंसर्न करना भी जेन्युइन है क्योंकि रमनी को उसने बचपन से जाना है और उसे पता है कि रमनी जो है बहुत भोला है और वो किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाता है.
नरेटर को जब पता चलता है रमनी उससे शादी कर रहा है, और तो उसे समझ आता है कि रमनी क्यों बार बार गिफ्ट फ्री रेडियो की बात कर रहा था। उसे समझ आता है कि रमनी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया और उसे स्टरलाइजेशन के लिए ले गए। लेकिन उसके पीछे सच ये है कि फ्री रेडियो अब गवर्नमेंट स्टरलाइजेशन के लिए नहीं दे रही थी, वो 1 साल पुरानी स्कीम थी। तो उसे पागल बना के वो लोग ले गए और वो चला गया, और अब वो फ्री रेडियो के लिए बस वेट कर रहा है। ये बात नरेटर ने रमनी को नहीं बताई, उसने जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। नरेटर रमनी को अपने पास बुलाता है और उसे प्यार से पूछता है कि तुम कार वहाँ गए थे तो वो वहाँ क्या हुआ। तो रमनी उसे कंफर्म करता है कि हाँ उसकी स्टरलाइजेशन हो गई है, और नरेटर जो था वो बहुत ही सैड हो जाता है ये सुन के कि उसको कितना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा होगा। उसे तब रमनी बताता है कि स्टरलाइजेशन के बदले वो उन्हें फ्री रेडियो दे रहे हैं, लेकिन जो सच था वो तो नरेटर को पता ही था, तो नरेटर ने बताया नहीं। जो नरेटर है या रिटायर्ड टीचर जो है, वो हर समय बानियान ट्री के नीचे ही बैठे नजर आते हैं और को ऑब्जर्व करते हुए कि वो क्या कर रहे हैं। और इनके नरेटिव स्टाइल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इनका जो कलेक्टिव नाउन है वो आई से वी हो जाता है काफी प्लेसेस पे जब वो एज अ कम्युनिटी बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब नरेटर ने कहा था वी हैड ऑलवेज बिलीव दैट आर रमनी वॉज अ लिटिल सॉफ्ट इन दी हेड, तो वो वी कह रहे हैं यहाँ पर रादर ऑफ आई, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के बिहाफ पर बात कर रहे हैं। नरेटर को काफी गॉसिप सुनने को मिलते थे, और ये सारी जो भी शॉर्ट स्टोरी है ये सिर्फ रूमर्स, गॉसिप्स और इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड है। नरेटर कभी भी कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता था, उसे हर जगह से न्यूज़ आ जाती थी, उसे हर जगह से खबर आ जाती थी। जैसे कि जब रमनी और विटो की वेडिंग हुई थी तो वो वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसे सुनने को मिला था कि जो वेडिंग थी वो बहुत ही पुअर तरीके से हुई थी। जब रमनी फ्री रेडियो कलेक्ट करने जाता है तब उसे वहाँ से उस वैन से फेंक दिया जाता है उठा के बाहर, और वो भी उसके दोस्तों के द्वारा ही। वो उसे बहुत पीटते हैं और वहां से बाहर फेंक देते हैं। ये इंसिडेंट भी उसे एक इंसान ने आके बताया था, ना कि वो उस समय वहां खुद खड़ा हुआ था। वो पता था कि वो एक स्टोरी बता रहा है, और वो उसका ये फर्ज था कि वो पूरी तरह से एंडिंग प्रोवाइड करे, तो इसलिए वो रमनी के लेटर का वेट करता है अपनी टेल को कंप्लीट करने के लिए। उसे रमनी का लेटर मिलता है तो वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिखा होता है, और उसे ये अच्छे से पता था कि रमनी को लिखना पढ़ना नहीं आता। तो ये जाहिर सी बात है, जब उसे लेटर मिला वो किसी प्रोफेशनल ने लिखा है, तो ये जाहिर सी बात है कि रमनी एक बॉलीवुड अब बॉलीवुड में एक स्टार बन चुका है और वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है।